ये होता है कि अगर एक सांसद बात कर रहा है तो मतलब कि 10 लाख लोगों का जो भी दुख होगा सुख होगा सुनाने के लिए कर रहा है। अब आगे आइए उसमें देखिए, लोकतंत्र में बताए थे कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। इसमें देखते हैं अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है अध्यात्मक और दूसरा होता है संसदीय। तो देखिए संसदीय किसको कहते हैं और अध्यात्मक किसको कहते हैं, तो देखिए जिसके पास औपचारिक और वास्तविक दोनों पावर किसी एक व्यक्ति के पास रहे तो उसको हम लोग कह देते हैं अध्यात्मक। यानी जब पावर वास्तविक हो या फिर औपचारिक हो दोनों किसी एक व्यक्ति के पास रहे, जैसे यानी कह सकते हैं हम लोग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास यदि रहता है तो उसको हम लोग कहेंगे अध्यात्मक। अब देखिए संसदीय में क्या होता है, तो जो औपचारिक होता है वो हमारा हो जाता है प्रेसिडेंट और जो हमारा वास्तविक होता है वो हमारा हो जाता है पीएम। यानी जब हमारी रूलिंग दो व्यक्ति के हाथों में चला जाए, एक राष्ट्रपति हो जाए जो कि औपचारिक हो सिर्फ बातचीत करने के लिए हो और एक हमारा होता है वास्तविक जो कि हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वास्तविक वही शासन करते हैं, वही मतलब हेड होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं संसदीय। तो अब आते हैं हमारा लोकतंत्र के स्तंभ। देखिए स्टूडेंट लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं जो कि मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।